हाय गाइज़ वेलकम बैक आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम ट्रेडिंग विद विवेक डॉट कॉम और आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में टाटा ग्रुप की एक कंपनी है जो क्वालिटी uh, स्टील्स बनाती है अलोय बनाती है और डिफरेंट ऑटो सेक्टर्स में uh, इसका यूज़ होता है तो एक हाई मार्जिन वाला बिजनेस है और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कुछ इम्पोर्टेंट uh, यहाँ पर uh, डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने में लेकर आने वाला हूं जिसका इम्पैक्ट ये है कि ये कंपनी आने वाले पाँच छह साल में सात आठ दस साल में यहां से टेन ट्वेंटी टाइम्स तक हो सकती है उसके सॉलिड रीजंस हैं वी विल कंसीडर एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट तो यहां पर सबसे पहले जैसे मैंने बिजनेस के बारे में बताया बिजनेस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहां अगर आप इसको डिटेल में सिंपल पढ़ लोगे तो स्पेशल स्टील ये बनाते हैं इट इज यूज फॉर हाई एंड एंड क्रिटिकल एप्लीकेशन सच एज फॉर

आयरन जो पहले कंपनी का नाम था उसका नाम चेंज करके टाटा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड इसका रखा गया तो आज की डेट में ये कंपनी टाटा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड है यहाँ पर अगर हम फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं तो जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है दैट इज 8000 थाउजेंड टन एट सॉरी 800,000 हंड्रेड थाउजेंड टन ऑफ डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन डी एंड सिक्स सिक्स हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड ऑफ क्रूड स्टील एंड 530,000 हंड्रेड थर्टी ऑफ रोल्ड प्रोडक्ट्स तो अलग अलग हैं uh, इनकी जो कैपेसिटीज हैं ओवरऑल अगर इसकी कैपेसिटी की बात करने लगे करंट सिनेरियो में अभी uh, वो है क्रूड स्टील कैपेसिटी है 1 मिलियन टन पर एनम एंड डी आर मिलियन टन पर एन एंड आयरन और माइन्स है टू मिलियन टन पर एनम एंड कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं इनके पास वन सिक्सटी के वो बड़ा छोटा सा साइज है उसमें बहुत ज्यादा

जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आने वाला है कंपनी को यहां पर एक अवार्ड किया गया है मींस द कंपनी इज गोइंग टू बाय नीलांचल नॉट नीलांचल नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड तो ये कंपनी एमएमटीसी एनएमडीसी इन सब ने मिलकर यहाँ पर बनाई थी लेकिन ये लॉस मेकिंग कंपनी हो गई थी और एक साल से इस कंपनी में कोई ऑपरेशन नहीं है नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड और इसमें मेन जो हिस्सेदारी थी वो एमएम की थी नाउ टाटा स्टील इज गोइंग टू

जितनी कंपनी का पूरा साइज है उससे पांच गुना ये यहां पर परचेज हैं फोर टाइम्स यहां से एक नई कंपनी को परचेज हैं जिससे फाइव टाइम्स ये टोटल हो जाएगी अभी अब इतना पैसा आएगा कहां से इतना पैसा लाने के लिए जो कंपनी की यहां पर शेयर होल्डिंग जिसके पास है पहले एक बार देख लेते हैं टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स की जो शेयर होल्डर्स हैं वो कौन है वो है टाटा स्टील लिमिटेड टाटा स्टील लिमिटेड जो आज की डेट में अच्छा कर रही है ऑल स्टील कंपनीज इन इंडिया आज डूइंग गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड दे आर मेकिंग गुड प्रॉप

आ, अगर हम बात करें टाटा स्टील लिमिटेड ने एक बड़ा अच्छा सा प्लान बनाया है इसके लिए कि जो 12,100 करोड़ का यहाँ पर इनको आ, एक्विजिशन करना है इस पैसे को कहाँ से अरेंज किया जाएगा इसके लिए कोई लोन नहीं ले रहे हैं यहाँ पर टाटा स्टील लिमिटेड प्रिफरेंशियल शेयर्स बाय कर रही है टाटा स्टील लॉन्ग से और इसके लिए इन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था सब उससे पहले मैं आपको ये बता दूं टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट लेटर ऑफ अवार्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड तो ये इनको मिल गया है और जो इन्होंने अभी एक बोर्ड मीटिंग रखी है बोर्ड मीटिंग रखी थी बेसिकली और बोर्ड मीटिंग में इनका जो कंक्लूजन निकला कि ये 13,300 करोड़ रुपीस तक की एक प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे टू टाटा स्टील लिमिटेड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल लॉज तो यहाँ पर तेरह हजार तीन सौ करोड़ रुपए थर्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड करोड़ रुपीज यहाँ पर रेज किए जाएंगे टाटा स्टील लिमिटेड से लेकिन ये किसी तरह का लोन नहीं है यहां पर जो डेट इक्विटी रेशियो है वो अच्छी रहेगी और एवरी मंथ एवरी क्वार्टर यहां पर इसके ऊपर ब्याज भी, भी नहीं देना है तो इसको क्या कहते हैं इसको प्रिफरेंशियल शेयर्स कहते हैं प्रिफरेंशियल शेयर्स में क्या क्या करेंगे इसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता देता हूं यहां पर हंड्रेड रुपीज एक शेयर के प्राइस के बेस पर यहां इसको इश्यू किया जाएगा यानी कि इतना पैसा रेज किया जाएगा तो कुल मिलाकर 133 करोड़ शेयर्स यहां पर रेज होंगे और हंड्रेड रुपीज का एक शेयर होगा यहां पर और 133 करोड़ रुपीज ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ एग्रीगेटिंग 13,300 करोड़ रुपीज ठीक है बिल्कुल और उसके बाद में प्रोपोज एनसीआरपीएस किसे कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रिफरेंशियल शेयर्स तो यहां पर नॉन कन्वर्टेबल का मतलब यह है कि प्रिफरेंशियल शेयर्स एक्विटी शेयर्स नहीं बनेंगे देर इज नो स्कोप कि आगे चल के एक्विटी का डायल्यूशन हो जाएगा ऐसा नहीं है तो यहां पर नॉन कन्वर्टेबल है और रिडीमेबल है यानी कि आफ्टर टाइम इनको रिडीम कर लिया जाएगा तो एक तरह का ये लोन है आ, लेकिन यहां पर इस लोन में सबसे अच्छी बात यह होती है कि ये किसी बाहर से नहीं आ रहा है यहां पर ये डेट एक्विटी रेशियो को इंपैक्ट नहीं करता क्योंकि यहां पर डेट को रिपे करने का कोई एज सच कंपल्सन नहीं होता तो यहां अब टाटा स्टील को क्या बेनिफिट होगा टाटा स्टील को यह बेनिफिट होगा कि जो शेयर इसको हंड्रेड रुपीज पर के हिसाब से मिल रहा है ईच के हिसाब से मिल रहा है इसका जो आगे चल के रिडीम रिडीम का जो प्राइस होगा वो प्रीमियम पर होगा

टाटा स्टील को आफ्टर 20 इयर्स कितना मिलेगा 674 और अगर हंड्रेड रुपीज के सिक्स हंड्रेड बनते हैं 20 इयर्स में तो ये सिर्फ और सिर्फ 10 परसेंट की सीएजीआर होती है यानी कि 10 परसेंट के बेस पर 10 परसेंट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के रेट पर टाटा स्टील टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड को लोन दे रही है प्रिफरेंशियल शेयर के रूप में इसका फायदा यह है कि एवरी क्वार्टर पेमेंट नहीं करनी यानी कि कंपनी को जितना ग्रो करना है कंपनी ग्रो करेगी अपना पैसा

ट्वेल्व हंड्रेड थर्टीन हंड्रेड करोड़ रुपीज और एक्स्ट्रा कमाने का जो मौका है उससे अलग अगर हम आज की डेट में देखें कि आ, पिछले एक साल में कंपनी ने कितना पैसा कमाया ऑलरेडी कमा तो अच्छा बिजनेस के, के बेस पर जो कंपनी का पी रेशियो है six, six, और यहां पर बुक वैल्यू कितनी है बुक वैल्यू करंट प्राइस के बराबर है तो यहां पर अपने आप में कंपनी ऑलरेडी इतनी अच्छी है और अब इस एक्स शन के साथ में कंपनी यहां से बहुत आगे तक जा सकती है और साथ में अच्छी बात क्या है कि डेट का कोई बर्डन नहीं है कोई भी पे आउट एवरी क्वार्टर नहीं है एवरी ईयर नहीं है तो जितना पैसा कमाते जाएंगे उससे अपने आप को और अच्छा करते जाएंगे तो और अच्छा करने में कहां तक जा सकते हैं उसके लिए मैंने थोड़ा सा और डिटेल में गया यहां पर एनआईएनएल यानी कि जिस कंपनी को परचेज करने की बात कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहां पर रीड करता हूं एनआईएनएल रिप्रेजेंट ए क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक एक्विजीशन फॉर द कंपनी विद अराउंड

अपने आप में एक बहुत बड़ी लैंड होती है थर्ड उसके बाद में आयरन और रिजर्व है अराउंड हंड्रेड मिलियन टन्स। हंड्रेड मिलियन टन्स का मतलब है जो इनके पास आयरन और का रिजर्व है यानी कि करंट में जो इनकी कैपेसिटी है कितनी है वन मिलियन टन वन मिलियन टन के हिसाब से अगले सौ सालों तक का हंड्रेड ईयर्स तक का इनके पास रिजर्व है मैं कहता हूं कि कैपेसिटी बढ़ेगी तब भी बहुत लंबा रिजर्व है अब उसके बाद में जो कंपनी का यहां पर प्लान है वो क्या है आ, वो प्लान है द एक्विजिशन ऑफ एन आई एन एल प्रोवाइड ए सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनी नॉट टू रिस्टार्ट दिन मिलियन टन परम स्टील प्लांट कैपेसिटी बल्कि साथ में बट ऑल्सो टू बिगन वर्क इमीडिएटली टू बिल्ड फोर पॉइंट फाइव मिलियन टन पर एनम स्टेट ऑफ आर्ट लॉन्ग प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इन नेक्स्ट फ्यू ईयर अगले कुछ सालों में इस कंपनी की जो कैपेसिटी है उसको फाइव टाइम्स कर लिया जाएगा फोर एंड हाफ टाइम्स एड कर दिया जाएगा यानी कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है, है बुक वैल्यू के पास है और पी रेशो कम है और डेट अक्यूरेट एक रेशो जो आज की डेट में है, वो ना के बराबर है से अपना पैसा है और जो डेट है वो सिर्फ और सिर्फ 182 करोड़ रुपइस का ये ऑलरेडी कंफर्टेबल है तो यहां पर जो स्टॉक प्राइस है अगले कुछ सालों में नेक्स्ट फ्यू इयर्स में यहां पर 5 6 टाइम्स तो जा ही सकता है साथ में उसके बाद में इन्होंने लिखा हुआ है एंड फर्दर एक्सपेंड इट अप टू 10 मिलियन टन पर अनम फैसिलिटी बाय 2030 यानी कि नेक्स्ट 8 इयर्स में इसको 10 मिलियन टन पर एनम तक ले जाएंगे तो ये एक छोटी बात नहीं है यहां पर जब 10 मिलियन टन पर एन एम कैपेसिटी की हम बात करते हैं तो एक बार छोटा सा यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं कि इससे कितना प्रॉफिट होगा इसके लिए मैं क्या करता हूं यहां पर एक बार स्क्रीनर डॉट इन पर चलते हैं यहां टाटा स्टील को सर्च करते हैं और टाटा स्टील का एक बार नेट प्रॉफिट देखते हैं टाटा स्टील का नेट प्रॉफिट कितना है लास्ट वन ईयर का दिस इज थर्टी सेवन थाउजेंड करोड़ रुपीज अब थर्टी सेवन थाउजेंड करोड़ रुपीज का नेट प्रॉफिट है टाटा स्टील का और टाटा स्टील की यहां पर जो कैपेसिटी है वो कितनी है टाटा स्टील की कैपेसिटी है द कंपनी हैज टारगेट टू इनक्रीज डोमेस्टिक स्टील मेकिंग कैपेसिटी थर्टी मिलियन टन यहां पर ये सिर्फ डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं ओवरऑल कितनी है एक बार ये देख लेते हैं ओवरऑल प्रेजेंटली द कंपनी हैज है टोटल क्रूड स्टील कैपेसिटी ऑफ थर्टी मिलियन टन तो थर्टी मिलियन टन में कितना नेट प्रॉफिट है 33 मिलियन टन में जो साल का प्रॉफिट है वो 37,000 करोड़ रुपीस है यानी कि 10 मिलियन टन में कितना आएगा 10 मिलियन टन में इसका वन थर्ड आएगा ऑलमोस्ट वन थर्ड आएगा यानी कि 11,000 12,000 करोड़ रुपीस 12,000 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट अगले Uh, कुछ सालों में एट इयर्स में इस हिसाब से बनता है जब ये अपनी इस कैपेसिटी को टेन मिलियन टन तक ले जाएंगे और टेन मिलियन टन पर ट्वेल्व थाउजेंड करोड़ रुपीज का नेट प्रॉफिट अगर आता है और uh, अभी भी कंपनी प्रॉफिटेबल है और uh, यहां पर अगर कुल मिलाकर मैं ये मान लू कि ट्वेल्व थाउजेंड करोड़ या थर्टीन थाउजेंड करोड़ का अगर नेट प्रॉफिट आएगा टेन के पी पर अगर ये कंपनी उस टाइम पर चलती है तो वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ रुपीज तक की कंपनी पहुंच जाती है मैं कहता हूं एट के पी पर भी चलती है तब भी वन लाख करोड़ तक की कंपनी पहुंच जाती है अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन

आपको सारी बैलेंस शीट का पता चल जाएगा यहां पर ये यह रॉक सॉलिड बैलेंस शीट है और इसमें जो फंडिंग की जो आप बात की गई है वो बिल्कुल तरीके से की गई है कोई बर्डन नहीं है कैसे भी किसी भी तरह का बर्डन नहीं है अब बात करते हैं यहां पर एक बार इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न की कि टेक्निकल चार्ट पैटर्न आज की डेट में क्या कहता है टेक्निकल चार्ट पैटर्न स्ट्रॉन्ग है बेकार है क्या चल रहा है तो यहां पर टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड में यहां पर इसका चार्ट पैटर्न एक बार देखता हूं और इसको चार्ट पैटर्न देखने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले तो एक

हैवी वॉल्यूम के साथ यहां पर बाइंग की स्पाइक आना कि यहां पर एक बहुत स्ट्रॉग सपोर्ट है और होगी भी कोर्स अब बात करते हैं कि ये ऊपर कहां तक जा सकता है तो 2030 तक अगर हम देखें तो यहां पर टेन मिलियन टन की कैपेसिटी होती है इस हिसाब से और 12,000, 13,000 करोड़ रुपीज तक का प्रॉफिट होता है 1 लाख करोड़ तक की यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन बैठती है जो 33 से 33 टाइम्स है टेक्निकल चार्ट अगर मैं बात करूँ तो इमीडिएटली जो इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनता है उसका हम एक बार टेक्निकल टारगेट देख लेते हैं लेकिन ये टेक्निकल टारगेट शॉर्ट टर्म टारगेट है ये एट ईयर्स का टारगेट नहीं है हमने इसको यहां से किया एक बार इसका लॉग यहां से हटाया जिससे ये जितने पॉइंट्स पॉइंट्स हैं उतने ऊपर ले सके और इसका टेक्निकल टारगेट निकलकर आता है नाइनटीन हंड्रेड रुपीज और हंड्रेड रुपीज का मतलब है करंट प्राइस से लेकर टेक्निकल टारगेट तक वन हंड्रेड सेवेंटी टू रुपीज का सॉरी वन हंड्रेड टू परसेंट का इसका यहां से उछालाना तो टेक्निकल टारगेट्स भी स्ट्रांग हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टारगेट्स भी स्ट्रांग हैं कंपनी भी स्ट्रांग है यहां पर जो फंडिंग करने का तरीका है वो सुपर है इससे अच्छा फंडिंग करने का तरीका दूसरा कुछ होता नहीं है अगर सीरियसली किसी कंपनी को ऊपर लेकर जाने का प्रोमोटर्स का मन है तो यहां पर इन सब चीजों को सीखते हुए मैं यहां पर बायर हूं बाय ऑन डिप्स वाली कंपनी है ये जब तक इनकी पूरी कैपेसिटी नहीं पहुंच जाती और तब तक वैल्यूएशन इसकी ठीक रहती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स आप एक एब्जर्ड वैल्यूएशन हो जाए बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए पाँच छह गुना इमीडिएटली हो जाए बिना कैपेसिटी एक्सपेंशन के तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचा जा सकता है अदरवाइज वन लाख करोड़ होने तक जब तक इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वन लाख करोड़ तक की नहीं होती थर्टी टाइम्स नहीं होती लेकर बैठा जा सकता है ऐसा मेरा मानना है आप अपनी समझ के हिसाब से यहां पर बाय करेंगे मेरे कहने से सारी चीजों को सीखेंगे कि किस तरीके से हमें फंडामेंटल सीखने चाहिए किस तरीके से हमें यहां पर टेक्निकल्स को समझना चाहिए मीन्स जहां पर फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हो वहां टेक्निकल जितने मर्जी अच्छे हों वो जनरली काम नहीं करते और उसमें टीटीएमएल की तरह से पिटाई हो जाती है कि टॉप पर हम सब फंस जाते हैं और नीचे आकर फिर उसके बाद में कुछ नहीं बसता क्या करें क्या नहीं करें समझ नहीं आता क्योंकि एक बार लॉस में आ जाए तो पता नहीं चलता बैलेंस शीट वहां पर होनी चाहिए तो यहां इस तरीके से आप अपने दोस्तों को यहां समझा सकते हो बता सकते हो फॉरवर्ड कर सकते हो यहां वीडियो को लाइक कर सकते हो कमेंट कर सकते हो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक मुझे करोगा थैंक यू सो मच हैवे नाइस डे